नहीं, नवाज शरीफ ने आके सवेर दा भुलिया शाम को घर आ गए। ए साले हन चंगा मंगा आपके सामने आप करे, हाँ। चंगा मंगा आपके सामने, स्वात आपके सामने, तारीखी बात है ये, कोई मतलब है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपके सामने होण दी गाल ये होण भी यही हो रहा है, नहीं मुस्लिम लीग के हन वापस आ गए, होण भी यही हो रहा है। और क्या हो रहा है कि आज मुस्लिम लीग को उनकी जरूरत है जिनको ये आने के बाद ले ही नहीं रहे थे। अच्छा, आज उस मुस्लिम लीग की इनको जरूरत है जो आने के बाद, और काफी ये ले चुके हैं, यानी काफी उसूली सियासत तो नहीं करेंगे, कोई असूली सियासत नहीं है। जहां इक्तेदार का मसला आएगा, जहां यहां इनको इक्तेदार की इशारा मिलेगा, वहां चाहे चोर इनके साथ पार्टी के अंदर हो, डाकू इनके साथ पार्लियामेंट के अंदर हो, जाली डिग्री वाले इनके साथ हो, जमीन पे कब्जा करने वाले इनके साथ हो, बतखोर इनके साथ हो, ये मुत्तहिदा 90 चले जाए, ये उन लोगों से भी बैठ के सियासी जो है ना कंप्रोमाइज कर ले, जो इस मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जिन्होंने तरीके चलाई है, उनके साथ भी बैठ जाएंगे जहां इक्तदार का इशारा मिलेगा। अच्छा सर, अभी यहां इक्तदार का इशारा है। अच्छा, अवाम के दिलों में, अवाम के जहनों में, अवाम में जो गुस्सा है, उसको आईजे करने के लिए एक नया ड्रामा आपके सामने आ रही है। पार्टी आप वजारतों से बाहर हो जाओ और अभी तक ये बाई बाई थे। अच्छा हाँ जनाब, एक टेलीफोन आया वो सुन दे, बल शौकत अली सैतू साहब क्या करे सर। जी सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, शुक्रिया जी। शौकत अली सैतू साहब छांगा मांगी सियासत वो करें दे पे, सवाद दी वो की तन छांगा मांगू तुसा करें दे पे, वे कोई उसूल भी है या अतामानी का जेड़ा है उनकी तारीख तो है ना। गुल साहब बिस्मिल्लाह सर, मैं आपको अर्ज करूं और पूरी कौम वाकिफ है, जितने फोन आते हैं आप खुद देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क्या पजीराई होती है, क्या उनके फैसलों की सपोर्ट आवाम करती है। मेरी मसलन कौसर आमिर साहब ने कहा कि हमने डेमोक्रेसी मसलन नहीं मीडिया मैंने बताया ना, ये तो हमारे 2 साल पहले हमारे साथ है ना, वो 2 साल हमारे से आपके होते हुए हमारे साथ है, आप नहीं थे, आपने गवर्नर राज लगाया साथ है, लेकिन बात ये है कि आप मुझे बात करने दे कि आपका जवाब मैं दे रहा हूँ। ये कह रही है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से हमने इतने काम किए, ये वो उसूल होता है, उसूल जबान होती है। आपने हमसे वायदा किया था 30 दिन में जज बहाल करेंगे, हमने 30 दिन आपके साथ, 16 मिनिस्टर फेडरल वफाक के मिनिस्टर थे, आपको हमने धक्के मार के निकाला, बड़ी मुश्किल से आपको हमने खुद निकाला है, हमने जब वायदा आपने नहीं किया हमने रिजाइन दे दिया। अच्छा। उसके बाद भी आप पे भरोसा किया, फिर दूसरी मरतबा, एक साल पहले क्यों, फिर तीसरी मरतबा, एक छोटा सा ब्रेक का टाइम है, बस शौकत अली सैतू जी गुफ्तगू आप बता दें, एक ब्रेक नहीं रहे थे यहां पड़ा खरीद फरोख दे माहिर हैं ते वल विच अता मनी का आगे उंदी तारीख था वल दसेसन खान साहब राणा साहब सारे कुल बैठे ते एक टेलीफोन भी आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सही हुकुम सरकार। सर हुकुम ये है कि आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपके मेहमानों को भी सबको सलाम जी। और दूसरी बात ये, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि देखो 5 साल तो ये हो, इनको 3 साल तो हो गए जी, अब सिर्फ रह गया 2 साल, 2 साल में 1 साल बाद अभी इनकी पॉलिसी कोई बुरी तो नहीं जा रही है, पीपीपी की पॉलिसी आपके सामने, ये मुफाहमत की पॉलिसी है, सब मिलजुल के करते हैं, और जो आसिफ जरदारी साहब इस वक्त वो दिखा रहे हैं अपना के सबको लेके मिलके चलना है। अब देखो एमक्यूएम के साथ, पीएम नवाज के साथ, आज जलानी साहब ने नवाज साहब को टेलीफोन किया, बोला बाबा मिलजुल के काम करेंगे, क्यों लड़ाई झगड़ा करना है, समझे ना, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हिसाब से काम करेंगे, तो अभी चलना है, तो लड़ाई झगड़े का तो कुछ मुझे नजर नहीं आता है। 2 साल रह गए, 1 साल अब ये निकाल रहे थे, 1 साल बाद ये अनाउंस कर देंगे इलेक्शन का, सब इलेक्शन में आ जाएंगे, खत्म हो जाएगी बात, तो फिर ये अब जैसा चलता है, मेरे को ये लगता है इनकी पीपीपी की पॉलिसी इस वक्त सही चल रही है। ठीक है सर, ये देखो सर पीपल पार्टी जी तुसा क्या चाह रहे, यही कह रही थी कि देखिए इस तरह की तोहमत लगाना बहुत गलत बात है, बिकॉज इन्होंने सही बात की, तुसा भी गाल आप देखें एक प्लेटफॉर्म पर सबको लेकर आ गए, इस वक्त आप देखें कि कितना तरीके से लेकर चल रहे हैं, बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं। मुझे आप बताएं पंजाब के अंदर 70% पॉपुलेशन है, क्या वहां पर कोई बड़ा काम मुझे दिखा दे, एक एक आप मुझे कोई बड़ा काम दिखा दे जो वहां हुआ, एक रोटी का काम हुआ था, सस्ती लक्ष्मी कंपनी सस्ती रोटी का काम हुआ था, वो भी उसमें भी हुकूमत खाली हो, बड़े बड़े ड्रोन हमले हो रहे, बाकी वजीर मारे जा रहे, बॉर्डर रोड पे मारे जा रहे, मजदूर रोडों पे बैठे हुए हैं, मिली थी इसके बाद 3 साल पे स्टे ऑर्डर, स्कूल के टीचर रोड पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े काम हो रहे। अच्छा, आप तो नहीं दीजिए प्लीज, आप पहले हुकूमत में आइए, असेंबली में आके लड़े बैठे, मैं असेंबली में आएंगे, असेंबली में आएंगे इंशाल्लाह, आप इस तरह से असेंबली में आएंगे, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो काम गिनती करवा रहे हैं, मैं तो आपको गिनती करवा रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। एनी
वोट्स इन ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है पर्सन इन द असेंबली नहीं नहीं असेंबली में आए बात करें असेंबली में आएंगे इंशाल्लाह असेंबली में आके बात करेंगे तभी तो मैं कह रही हूं और मजीद लूट मार आपको करने देंगे भी नहीं इंशाल्लाह वो तो आपको भी पता है इंशाल्लाह नहीं करने देंगे आपके कायद के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं आप पर्सनल नहीं हो वो पर्सनल नहीं हो रहने दीजिए वो तो हमें भी पता है कि बेनजीर कहां पढ़ रही थी बात नहीं है बात पर्सनल की नहीं वो तो पता है बेनजीर कहां पढ़ के आई काम बिलावल कहाँ पढ़ रहा है लड़खाने में पढ़ रहा है नहीं सर बिलावल तो बेनजीर की गाल ना करो लड़खाने में पढ़ रहा है क्या बख्तौरा अच्छा, है वो कराची में पढ़ रहे हैं अच्छा एक सेकंड मेरी गाल ए शौकत सैतू साहब जी सर मेरा आधे में इन्होंने मोहतरमा ने हमारा वो कर दिया ये कह रहे थे कि क्या है क्या बलूचिस्तान का खाली आपने माफी मांग ली आज कत्लेआम नहीं होता है लोग लीडर सारे मारे जा रहे हैं सेटलर मारे जा रहे हैं आपने माफी मांग ली जरदारी साहब ने कि बस बलूचिस्तान के साथ क्या कौन सा काम किया है आप मुझे बात करने दे ना आप मुझे जवाब अपने टाइम में दे आप मुझे अपने दूसरी बात ये है कि डेमोक्रेसी अच्छा एक मिनट एक सेकंड राणा साहब प्रोग्राम में आ गए राणा साहब गाल ए है कि जेड़ी ए लोटा क्रेसी तू देख दे पे हम ख्याल वक्री थी गई है तोड़े नाल तो ओ थे जो किंदे नाल ही ना थी उस है ना जी तो हम ख्याल अलहदा थी कि अतामानी का अलहदा थी कि तुसा जेड़ा काम कीता ही काफ ने नून दे नाल आज कुदरत ओता को दिखेंदी पई है लेकिन ए वे को दसो जे 48 बंदे अतीका ओडो है ना अतामानी का जेड़ा है ओडो बड़ा तो हूं दे नाल चले गए ते ए क्या सियासत है क्या असूल है मिसा के जमहूरियत भी एक पासे रह गई है उसूल भी एक पासे रह गए ये क्या सियासत थी दी पई है आगे आगे देखिए होता है क्या अच्छा शेर व शायरी दा क्या हाँ, एक, एक कुछ भी नहीं होया अच्छा ये सारी फिलहाल अखबारी बयानात ने अच्छा चंद इंतजार कर लो अच्छा जी हां जी बिल्कुल जी ये कोई नवा धमाका तुझे करने जी बिल्कुल क्या ये मतलब तुम जो कुछ नजर आ रहा है वो अखबारी चीजा जा रहा है हकीकत कट है ये दोवे पार्टी रले खड़े ना आपस केड़े वाले ये नून ते काफ पीपल पार्टी नहीं रले तो नहीं ने अच्छा लेकिन वो जिसने कहा बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते अगर जो ना नवाज शरीफ को कोई तरीके का फायदा है जो बुलेंदे नहीं भी पे तजबजब का शिकार है वे नहीं नहीं इने गुफ्तगू करे दे पे जो तोड़ा हिस्सा ना खराब थी मुझे नहीं सारा हिस्सा खराब तो हुकूमत च वेंदे पे वे तो दसो नहीं ऐसे वेंदे पाकिस्तान को बचाओ अगर सियासी जमात को ना बचाओ अगर से हुकूमत जाना हुंदा तो हम ख्याल ग्रुप ना बना दे तो फिर ठीक है सीधा असूल तो चल रहे हैं ऐसे तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया है बहुत देर नाल किता है मतलब अकल जो समझ या होश बहुत देर बाद आई अच्छा। अगर स्टेप लेना सही अकल आई है हुण लेकिन जड़ा सही फैसला गलत वक्त किया जाए उनका कोई फायदा नहीं होता ये इन्होंने गलत फैसला किए सही फैसला गलत टाइम पे अच्छा टाइम केड़ा है इलेक्शन के बाद या तो नहीं अलग या तो फिर जिवें आज से साल बाद 6 महीने बाद अलग होंगे फिर कहते हैं ये असूल तो चल रहे हैं जिवें दस रहे सन साल बाद थोड़ा वैसे इलेक्शन तो शुरू हो जाना है ठीक है तो इस टाइम से आगे अलग होकर करोगे की ਇਹ ਅਤਾ ਮਾਨਿਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਤੀਕਾ ਅਤਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਰਾਣਾ ਫਾਰੂਕ ਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਬਾਦ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਵਾਹ 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 ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਹੀ ਖੈਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਤਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਜੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੀ ਉਸ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਜੀ ਜੀ कि ये जो है ना ये दोनों पार्टियों की लड़ाई में ये तो ये दूरा कुश्ती एक किस्म जिता रहे हैं इसमें तो जो कुछ भी है ना आवाम का दिवालिया निकल रहा है हर मामले में अच्छा ठीक है महंगाई इतनी अरूज पे जा रही है कोई भी चीज कंट्रोल नहीं हो रही ये दोनों नोरा कुश्ती कर रहे हैं इसमें आप लोगों की क्या राय है जनाब राणा साहब ने साथ का बात तुसा को फोन की थे ते एक साकु राणा साहब था पै गए राणा सईद साहब ते बलगाल है दूवे राणा है इंदा जवाब कौन दे सी कि महंगाई बात की है ये नूरा कुश्ती है अवाम तो परेशान है अवाम दी सत्रहवीं तरमीम अवाम को क्या फायदा मिले उन्नीवीं तरमीम अवाम को क्या मिले हैं सी वलो तीसरी दफा वजीर आजम बनवे सिंह मोहतरमा या वल नवाज अवाम को क्या फायदा है अवाम को ना आटा है ना दाल है ना घी है ना बेल है ना अवाम का तो बेड़ा गर्क की खड़े सियासतदान हैं सी ये बंदा जे गाल करें पे नूरा कुश्ती है तक भी नूरा कुश्ती नजर आती तो पई हो सी ब्रेक गिंदे वलांदे ब्रेक दस्तूर ए ओ दस्तूर है जड़ी पूरी जमाता ने जनाब मिलते पास कीते 18वीं तरमीम विच अलबत्ता ए गाल आ गई है कि ए जड़ी लोटा करेसी है फला फला है पार्टी दा जड़ा सरबरा जिवें जरदारी साहब हैं या जिवें नवाज शरीफ साहब हैं ए जिवें चावन जे कोई फ्लोर क्रॉसिंग करे सी ओ बाहर कढ़ दे सन उन्हां को पूरा हक है पर ए जड़ा कानून है फ्लोर क्रॉसिंग दा मुशर्रफ साहब ने ते 15 दिन वास्ते साकित कर दिता है ना सी आईन को मैं सही कहना पिया उन्होंने आइन को साकित कर दिता है तो पेट्रियाट बना दी है
ते वल नून दे जेड़े लोग हैं उन्हां को यरगमाल करते ते वल उन्हां को काफिज बना दीते। लेकिन कानून ये जेड़ा हुण चलदा पे फ्लोर क्रासिंग वगैरह वगैरह का ये हुण भी लागू है। तो नवाज शरीफ साहब के दौरे च कामयाब थी आई, उन्होंने लाया आई कि बई कोई साढ़े मैंबर ना तोड़े, असा कहते मैंबर ना तोड़े सी जिवें ले मोहतरमा दी ते उन्हां दी टसल थी पई है। अज कानून ये आखेंदे के 48 मैंबर हैं, पंज जेड़े हैं मुस्लिम लीग नून दे ओ हैं जेड़े मुस्लिम लीग नून दे नाल खड़े हैं, लेकिन 43 ओ मैंबर हैं जेड़े नवे आए हैं ते उन्होंने काफ दे प्लेटफार्म तू इलेक्शन लड़िया है। ते जमात ओ मनी वेंदी है जिंदे विच जनाब ओरिजिनल कायद चौधरी शुजात या परवेज इलाही हैं, अता मानी का ते ओ जेड़ा जावेद डॉक्टर है केड़ा है उन्दे ते ता इतना केस बनाया खड़े अमेरिका च, अमरीका वालिया ने उन्होंने कड दिते है। एक चैनल दिखेंदा पिया है जे अज नवाज शरीफ जी वकार शख्सियत है उन्हां को लोटियां दी जरूरत है, अतामानी का क्या है सिर उंदा तो काम ही होए लड़कते ही नहीं चला गए, पीपल पार्टी चला गए, फलानी जाते चला गए, फलानी जाते चला गए। तो वल इंदा क्या थी सी, ये पहले शौकत सैतू दसे सन, वल राणा साहब दसे सन कि ये क्या है जी अतामानी का दी तो कहानी। बड़ी मेहरबानी, एक टेलीफोन भी आ गए तुम्हारे मौके पर, देखो हाँ करो जनाब शौकत सैतू साहब ढे कारकुन मत वाले हैं, इन्हों की गल सुननी है एक टेलीफोन के बाद। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम गुल भाईजान। जी सर हुकुम भाईजान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पीपल पार्टी वाले जो बीबी साहब कह रही बीबी साहिबा कह रही हैं कि पंजाब में कौन सा काम ऐसा अच्छा है जो मुझे बता दें कि सबसे अच्छा काम ये है कि उसकी तालीम सबसे बेहतर है, दूसरे सूबों से बेहतर है, यहाँ के कराची की तालीम से तो बेहतर है ना। अच्छा, और ये बोलती है कि नवाज शरीफ ने कोई काम जो अच्छा नहीं किया, नवाज शरीफ की हुकूमत में महंगाई तो नहीं थी। हाँ। यहाँ की तालीम भी बहुत ज्यादा बेहतर है, ये ना कहे पूरा पाकिस्तान की तालीम। नहीं, मैं कराची में रह रहा हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ की तालीम कैसी है। आप प्लीज अलग अलग ना करें, पंजाब हमारा ही एक जगह है, हमारा ही एक मुल्क का शहर है, हम सब एक भाई भाई हैं, हम कोई पंजाब की और कराची की सियासत थोड़ी कर रहे हैं, हम पूरे मुल्क की सियासत की बात। जी सर, मैं पहले भी मैंने अर्ज किया था, अभी मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि भाई वो लोटे आप किस तरीके से उनको लोटा करें, वो दो साल पहले उन्होंने अलहदा एक काफ के हैं, हाँ। काफ में हैं, वो नून में नहीं आए, नहीं हमारे शमूलियत की है, नहीं हमें कोई वोट दिया है, हाँ। उन्होंने अब अक्सरियत अभी दिखाई है, शमूलियत भी नहीं कर सकते, वो वोट तो भी हम कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि वो काफ के हैं, हमने कब कहा है आपको, ये हम ख्याल वाले बैठे हुए, ये हम ख्याल ग्रुप उन्होंने बनाया है तो काफ के टिकट पे जीत गए अभी तक। राणा साहब मेरी बात नहीं नहीं, मैं मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ अपने टाइम में बात मेरी करना। अच्छा जी, सही है ना, अर्ज ये है कि वो 48 लोग है, 33 बाकी बचे, वो पार्लियामानी पार्टी का लीडर चुन सकते हैं, आईने पाकिस्तान कहता है वो काफ के है, हमारे लोग नहीं है, दुनिया मीडिया सब कह रहे सियासी पार्टियां उनको मौत नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने बाहर निकाल दिया है, अभी एक साल क्या 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि क्या है, टांगे खींचते रहते थे, अभी मियां शहबाज शरीफ साहब आपको पूरा काम दिखाएंगे कि किस तरीके से हुकूमत चलती है, उसने पहले भी दिखाया है ये इन लोगों को। अच्छा दूसरी चीज, दूसरा राजा रियाज ने रोका हुआ था, राजा रियाज ने रोका था, उसने अपना काम किया, उसने अपना पूरा काम किया है, और पैरों से बांध के रोका हुआ। देखो तो एक टेबल पे नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, केड़ी केड़ी शायद ये बात बता रहे कि दो में सारे वजीरों के साथ वजीरों की अब से तो पूछे असल में करें, दो मरतबा इंकलाब आ रहा था, वो इंकलाब या नवाज शरीफ ने क़यादत की थी, इंकलाब आया जज बाहर हो गए, आप नवाज शरीफ साथ नहीं लेके आए थे, आप लाग मत करो, आप लाग मत करो, वो इंकलाब नवाज शरीफ साहब को मुल्क में लाया, अभी आप जिसने फैसल सालियात से सबने मने किया पासपोर्ट लिया मेरे भाई, भाई अभी आप जिसने मने जिसने सऊदी अरब से जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना के पाकिस्तान के तारीख में इतना बड़ा कारोबार किसने बता दे आपको, किसने रोका, इतना बता दे कि नवाज शरीफ साहब जब इलाज करने लंदन जा रहे थे पासपोर्ट किससे मांगा था, तो क्या इंडिया के है क्या, पाकिस्तान से मांगे, पाकिस्तान से मांगे और किस जरिए से मांगा था, एक जाली सर्टिफिकेट आप सऊदी अरब से मेडिकल जाली, ये फैसल साल आप मीडिया पे कह चुके हैं, आप एग्रीमेंट करके मुल्क के अंदर आए, वो तो खुद लोटे लोटे की बात नहीं, उसकी वो पीपल्स पार्टी छोड़ के चला गया जी, वो मसला ये है कि आप जो है ना आप में आपने हिम्मत है आप लॉन्ग मार्च करो, आप लोटे हो गए, आप लॉन्ग मार्च करो करेंगे, करके दिखाया करेंगे सबको चैलेंज है, राणा साहब फिर लॉन्ग मार्च कर रहा है, आप सब नहीं आना, मियां साहब लॉन्ग मार्च अभी करेंगे, अनकरीब लॉन्ग मार्च होगा, अनकरीब लॉन्ग मार्च होगा,
और अरे भाई आपका तो काउंसलर नहीं है, आपका सिंध का सदर है, सिंध का सदर काफ में चला गया, आपका सिंध का सदर क्या हुआ? अच्छा अब आप काफ में चला गया।